Secretary DOT Srimati Aruna Sundarajan, Special Secretary Sri Siv Selam, Bharat Sanchar Nigam Limited ke Adhyakshamam Prabandh Nideshak Sri Anupam Srivastav, aaj ke hero Sri Sanjay Singh Ji, सभागार में उपस्थित डीओटी बीएसएनएल बीबीएनएल सी डॉट सीएससी एनआईसी के सभी अधिकारीगण, इस परियोजना से जुड़े हुए सभी साथी, प्रेस और मीडिया के मित्रों, देवियों सज्जनों, 13 नवंबर को इसी विज्ञान भवन में इसमें से काफी लोग इकट्ठे हुए थे और 13 नवंबर के बाद फिर आज 8 जनवरी को हम सब एकत्र हुए हैं। मुझे प्रसन्नता भी है और गौरव की अनुभूति भी है जब आज मैं आपके बीच खड़ा होकर के अपनी बात कह रहा हूं। सामान्यतया सरकार की परियोजनाएं जब शुरू होती हैं तो शुरू हो जाती हैं, पूरी होंगी कि नहीं इसमें बराबर संदेह बना रहता है। मुझे स्मरण है संचार भवन के गलियारे में भी सामान्यतया इसी तरह की चर्चा हुआ करती थी। जो लोग आते थे वो कहते थे चल रही है, कच्छप गति से चल रही है, कब पूरी होगी अभी अंदाज नहीं लग रहा है। लेकिन मैं आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं, जिन लोगों ने भी इस परियोजना को पूरा करने में अपना अमूल्य योगदान दिया है, अपनी ओर से और इस मंत्रालय की ओर से मैं उन सभी लोगों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। वास्तव में अगर मैं कहूं तो संचार क्रांति का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का एक अनुपम प्रयोग प्रारंभ हुआ है जिसे इस मंत्रालय ने जिस प्रथम चरण को पूरा किया है। सामान्यतया मुझे स्मरण है और अभी मेरे पूर्व भी बताया गया है, आपके पास आंकड़े भी हैं, 1 लाख से ज्यादा ग्राम पंचायतें 28 दिसंबर को ही सेवा देने की स्थिति में आ गईं। खास तौर से भारत संचार निगम लिमिटेड बीबीएनएल, पावर ग्रिड और सीएससी के प्रति मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं। आईटीआई, तेजस या ऑप्टिकल फाइबर जिन लोगों ने उपलब्ध कराए, इन सबके प्रति भी। लेकिन एक टीम भावना के साथ सबने मिलकर के संकल्प लिया कि नहीं, इसको वास्तव में वास्तविकता में जमीन पर उतारना है और निश्चित रूप से इस काम को हम पूरा कर सके हैं। दूसरा चरण प्रारंभ हो गया है, जैसा अभी सेक्रेटरी ने बताया है आपको कि 8 राज्य अपने से इस परियोजना को पूरा कर रहे हैं। 8 राज्यों में भारत संचार निगम लिमिटेड काम कर रहा है, 2 पावर ग्रिड के जिम्मे है और बिहार और पंजाब 2 ऐसे राज्य हैं जहां निजी क्षेत्रों के द्वारा इस परियोजना को हम पूरा करना चाहते हैं। वास्तव में जो पिछले 1 वर्ष या 16-18 महीने की उपलब्धि रही है वो स्वाभाविक रूप से जो गति बताई 800 किलोमीटर प्रतिदिन एक समय था जब ऑप्टिकल फाइबर ले की जा रही थी, 250 किलोमीटर प्रतिदिन का एक एवरेज आ गया था कुछ महीने तक, और उसके कारण मैं कहूं कि प्रधानमंत्री जी ने जब सरकार संभाली तब से इस परियोजना को गति मिली और आज वो परियोजना पूरी हो गई है प्रथम चरण की, मुझे प्रसन्नता है। मुझे स्मरण है 13 नवंबर के कार्यक्रम में मैंने एक बात कही थी कि द नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क नाउ नेम्ड एज भारत नेट प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड इन 2012 विद द अप्रूवल ऑफ यूनियन कैबिनेट। व्हेन इट वाज लॉन्च्ड previously it was actually no fun for anyone,
लिटिल और नो प्रोग्रेस हैड बीन मेड। इसकी वास्तविक स्थिति यही थी, लेकिन विभाग के लोगों ने, हमारे सभी पीएसयूज ने मिलकर के और निजी क्षेत्र के लोगों ने भी इसको वास्तविकता का रूप दिया है। एक बात पुरानी है कि विकल्प बहुत हैं भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही है, मुझे लगता है, मंजिल तक पहुंचने के लिए। और ये पूरी टीम का संकल्प था जिसके कारण प्रथम चरण पूरा हुआ है। कठिनाइयां अनेक थीं, बाधाएं अनेक थीं, उन तमाम बाधाओं को पार करते हुए यहां तक हम पहुंचे हैं। मुझे लगता है कि दूसरा चरण समय से पूरा हो, ये हमारे लिए अब महत्वपूर्ण हो गया है। जहां हमें प्रसन्नता है, हम सबका अभिनंदन कर रहे हैं। कुछ लोग छूट गए होंगे तो वो ऐसा ना माने कि उनका नाम सूची में नहीं है, उनका अभिनंदन हम लोग हृदय से कर रहे हैं। ये कुछ दे करके अभिनंदन करना मुझसे ज़्यादा है, मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा अभिनंदन सबके मन में स्थान बना लेना और हृदय से सभी लोग कृतज्ञता ज्ञापित करें, मैं समझता हूँ वो बड़ा अभिनंदन है। तो ऐसे अनेक हमारे साथी छूट गए हैं जिनको हम अवसर नहीं दे सके, उन सबके प्रति भी मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। लेकिन दूसरे चरण को समय से पूरा करना ये बड़ी चुनौती है। प्रत्याशित और अप्रत्याशित अनेक प्रकार की बाधाएं आएंगी, इन बाधाओं को पार करना, अभी से हम अगर लगेंगे तो मुझे लगता है कि मार्च 19 नहीं, जैसा सेक्रेटरी डीओटी ने कहा, दिसंबर में ही हमें पूरा करना, ये दिमाग में हम लोग अपने बात डाल लें। और मुझे लगता है कि इस सेकेंड फेज में, मैं संजय सिंह से चर्चा कर रहा था, फाइनेंशियल इंसेंटिव और फाइनेंशियल डिसइंसेंटिव का क्लाज अगर नहीं है तो कड़ाई से डालने की ज़रूरत है कि जो अच्छा काम करे वो पुरस्कृत हो और जो काम अच्छा न करे उसे लगे कि नहीं, न काम करने का कुछ खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। मैं समझता हूँ कि ये आवश्यक है और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से सचिव और यूएसएफ के एडमिनिस्ट्रेटर मिलकर के रूप से मुझे कोफ्त भी होती थी, क्रोध भी आता था, लेकिन जिस तरह से इन लोगों ने गति पकड़ा और जीपान इक्विपमेंट समय से पहुंचाना शुरू किया, मैं विशेष रूप से, क्योंकि अगर मैंने कोई शब्द कहा होगा तो मेरे मन का वो भाव नहीं था, केवल ये था कि परियोजना पूरी हो जाए, समय से पूरी हो जाए। तो मुझे लगता है कि इन लोगों के प्रति मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। कई राज्यों ने अपने ढंग से इस परियोजना को पूरा करने का जिम्मा लिया है। टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स से जो बातचीत हुई उसका परिणाम आप सबको मालूम है, और मंत्रालय ने बहुत ही रिजनेबल, मैं कहूँ कि, या कहूँ कि बहुत सस्ता टैरिफ तय किया बैंडविड्थ और फाइबर दोनों के प्रयोग के लिए, और TSPs भी आगे बढ़ करके आई हैं। लगभग 70,000 ग्राम पंचायतों तक सेवाएं देने के लिए उन्होंने वचनबद्धता जाहिर की है। 13 नवंबर को उन्होंने एडवांस चेक भी दिया था, 18 करोड़ रुपए अभी तक मंत्रालय को प्राप्त हो चुके हैं। मुझे लगता है कि ये मंजिल नहीं है, ये पड़ाव है, और इस पड़ाव के आगे जाना, मंजिल तक पहुंचना, जिसकी बात प्रधानमंत्री जी बार बार करते हैं, मुझे लगता है कि हम सबका सामूहिक लक्ष्य होना चाहिए और इस लक्ष्य को हम प्राप्त करें। इसके लिए फिर से एक बार आज अभिनंदन के साथ साथ संकल्पबद्ध होने की ज़रूरत है कि दूसरे चरण को हम शीघ्रातिशीघ्र पूरा करें, समय सीमा के भीतर पूरा करें। मोदी जी की सरकार, स्वाभाविक रूप से मैं बार बार एक बात दोहराता हूँ कि केवल राजनीति की शब्दावली को प्रधानमंत्री जी ने नहीं बदला है, बल्कि देश की कार्य संस्कृति बदले, इसके लिए जो प्रयत्न हो सकते हैं प्रधानमंत्री जी के स्तर पर हुआ है, और मुझे लगता है कि उसका असर दिख रहा है, बाकी जगह भी दिख रहा है, हमारे मंत्रालय में भी दिख रहा है। और इस स्वप्न को साकार करना, क्योंकि कुछ वर्ष पहले जब बात होती थी तो
एक डिजिटल फ्यूचर की ओर देश बढ़ रहा है, तो मुझे लगता है कि लोग मानते थे कि ये स्वप्न है, दिवा स्वप्न है, शायद ये हकीकत होगा या नहीं होगा। लेकिन फेज वन के बाद मैं कह सकता हूँ कि अब लोगों को ये विश्वास होने लगा है कि अब ये दिवा स्वप्न नहीं, वास्तव में एक वास्तविकता है, एक रियलिटी है जो निश्चित रूप से पूरा हो जाएगा। डिजिटल इंडिया का जो विजन है प्रधानमंत्री जी का, उसके लिए महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हम सबके कंधों पर थी, जिसे हम सब ने पूरा किया है। मैं पुनः एक बार आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, और अपनी ओर से और सरकार की ओर से मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि तेज गति से द्वितीय चरण को हम पूरा करें, और ये हमारा मिशन भी है और विजन भी है राष्ट्र के लिए। और मुझे लगता है कि इट इज़ अ कॉल फॉर द इंटायर नेशन, कनेक्ट इंडिया एंड देन वॉच इंडिया, क्रिएट कोलेबरेट एंड कॉन्कर। मुझे लगता है कि यही मंत्र आज इस परियोजना के लिए भी और देश के लिए भी महत्वपूर्ण है। ई हेल्थ, ई एजुकेशन, ई मेडिसिन, अनेक प्रकार की सेवाएं उन लोगों को जिनको अभी तक सुविधाएं नहीं प्राप्त थीं, जो कनेक्टेड नहीं थे, ऐसे ग्रामीण परिवेश में रहने वाले जिनको वास्तव में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, मैं समझता हूं कि इस परियोजना के कारण हम दे सकेंगे, वे तमाम आधुनिक सुविधाएं उन्हें हम प्रदान कर सकेंगे। और रोजगार, मैं समझता हूं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भारी मात्रा में इस परियोजना के कारण आने वाले दिनों में सृजित होने वाला है। एक दो उदाहरण सेक्रेटरी DOT ने बताया है, मुझे लगता है कि ऐसे अनेक उदाहरण अभी आज दिए जा सकते हैं, और भविष्य में ऐसे अनेक लोग मुझे लगता है कि देश का गौरव बढ़ाने में सामर्थ्यवान होंगे। मैं एक बार फिर आप सबको धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन करता हूं सबका। और अंत में 13 नवंबर को मैंने दो पंक्तियां कही थीं, उसको फिर दोहराऊंगा कि मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। और जो बात प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आप सबका साथ रहा तो सबका विकास निश्चित है, यह दम भारत नेट परियोजना में है। इसे हम समय से पूरा करके देश के विकास में अपनी भूमिका सुनिश्चित करें, और अंत में राष्ट्र को समर्पित भारत का अपना नेट, भारत नेट। जय हिंद।